A very good evening to all of you. My name is Anup Upadhyay and I am going to teach you the subject is Wildlife Protection Act. बिल्कुल. एक बार सभी students मुझे बता दें क्या मैं सभी को perfectly audible and visible हूँ? Yes. So अब हम आगे बढ़ेंगे आज इस act को लेके जो कि आपको बताना चाहूंगा जुडिशियरी के साथ साथ यूपीएससी के एग्जाम्स हो गए, एसएससी के एग्जाम्स हो गए एंड एडीपीओ इनके एग्जाम्स हो गए, सभी के लिए यूजफुल रहेगा ही रहेगा. और साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि इसमें आप सभी लोग जब पढ़ेंगे तो आपका एक ऐसे राइटिंग आता है. क्या कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसे राइटिंग आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, उसका भी एक पार्ट बनेगा. तो यहां पर आप याद रखिएगा ऐसे राइटिंग के लिए भी यह क्या है यूजफुल है डियर स्टूडेंट्स. अब आगे की बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो मैं आप सभी को पूरा बैकग्राउंड बता देता हूं. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, देन बेयर एक्ट की डेफिनेशंस, वर्किंग स्ट्रक्चर और आगे ऐसे चलते जाएंगे. सो बने रहिएगा एकदम एंड तक, पूरा एक्ट आपको एकदम माइंड में सेट कर दूंगा. राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर के बारे में. क्या स्ट्रक्चर है इस एक्ट का, तो सबसे पहले देखिएगा जो ये पूरा रेंज मैंने आपको दे रखा है कि कौन सा चीज कहां पर है. तो चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करूं मैं, तो चैप्टर नंबर 1 में आपका प्रीलिमिनरी है जिसे हम प्रारंभिक कहते हैं. इसके अंदर दो सेक्शंस ही केवल आते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. आफ्टर दैट अथॉरिटीज विल बी देयर. अथॉरिटीज का मतलब होता है प्राधिकारी, जो 3 से लेकर 8 तक के प्रोविजंस को डील करते हैं. देन हंटिंग, अगर आप हंटिंग कर रहे हैं किसी भी सेंचुरी में, किसी भी नेशनल पार्क में, तो आपको हंटिंग के अंदर ऑफेंस के केस में भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा, इंप्रिजनमेंट किया जाएगा, पेनल्टीज लगाई जाएंगी, जिसका 9-17 में हंटिंग को दे रखा है. मैक्सिमम प्रोविजंस इसके डिलीट कर दिए गए हैं, इसके ओमिट कर दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स. लेकिन फिर उसके बाद प्रोटेक्शन के संबंध में 17A से 17H तक के प्रावधान नए जोड़े गए. फिर प्रोटेक्टेड जू अथॉरिटीज, कौन कौन सी जू अथॉरिटीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हम बात करेंगे सेंट्रल जू अथॉरिटी, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. एग्जाम में बार बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, 38K से 38X तक जाएगा. बिल्कुल ये देखते रहिएगा, A से Z तक यहां पर है, ठीक है. फिर उसके बाद K से लेके X तक 4B में है, फिर 4C में दो बचे हुए हैं YZ. तो कहने का मतलब पूरी अल्फाबेट A to Z आपको अलग से यहां और मिलेगा. तो ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, एकदम ऊपर ऊपरी आपको इसको भी देखना होता है. देन ट्रेड और कॉमर्स, मतलब जो व्यापार से संबंधित प्रावधान है, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, उससे संबंधित प्रावधान भी आपको 39 से 49 में दिए रहेंगे. और बात करें चैप्टर नंबर 5A की, तो प्रोहिबिशन, मतलब ट्रेड और कॉमर्स जो हम कर रहे थे ये, इसके ऊपर प्रोहिबिशन नीचे दिया गया है 49A से 49C में. ओके, देन बात करेंगे चैप्टर नंबर 6A एंड चैप्टर नंबर 7 की. अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ ऑफेंसेस, इसको आप ऑफेंसेस के नाम से याद रखना, ऑफेंसेस का प्रिवेंशन और ऑफेंसेस का डिटेक्शन 50 से लेके 58 तक दिए गए हैं. वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, एग्जाम में अच्छे खासे पोर्शन आएंगे. फॉरफीचर है, फॉरफीचर का मतलब संपहरण, संपहरित कैसे किया जाएगा, जब कैसे किया जाएगा, सीजर, फॉरफीचर, सारी कुछ चीजें हम देखेंगे. देन मिसलेनियस 59 से 66 तक जाएगा. तो एग्जाम में अगर पूछ ले टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स दैट इज 7, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं दैट इज 66. तो कितने देखिएगा, 66 तो सेक्शंस हैं. और बात करें शेड्यूल की, 6 क्या है इसके अंदर, शेड्यूल दिए गए हैं. और बात करें चैप्टर्स की, चैप्टर टोटल कितने हैं, 7 है. क्लियर, तो ये आपका पूरा मामला था जो आई होप सबको समझ में आ गया होगा. यस अनुपम जी गुड इवनिंग, अंजलि गुड इवनिंग, सगुन आपको भी, सगुन जी वेरी गुड इवनिंग. राइट, सो तो आज हम 6 शेड्यूल, 66 सेक्शंस एंड आपके जो ये 7 चैप्टर्स थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन आप सभी को बता दूं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखने में बड़ा डरावना लगता है, बट है बहुत प्यारा एक्ट, एकदम आराम से पढ़िएगा. बिल्कुल, आप सभी को भी हैप्पी दिवाली डियर स्टूडेंट्स. चलिए आगे की बात करते हैं. अब देखिएगा सबसे पहले मैं इस एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करने वाला हूं कि क्या इस एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रह चुका है. तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले हम जाएंगे इन 1887,
ठीक है, बात पुराने जमाने की है। कहते थे ना अंग्रेज कि हम पुराने जमाने के जेलर हैं, तो ये एक्ट भी कब का है? अंग्रेजों के जमाने का, पुराने जमाने का एक्ट है, 1887 के अंदर, वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट। व्हाट आई एम सेइंग, वाइल्ड बर्ड्स, ओनली बर्ड्स की बात होती थी, सिर्फ बर्ड्स के प्रोटेक्शन की बात, गलत बात है। तो वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1887 पास हुआ। आफ्टर दैट दिस इज द फर्स्ट लॉ, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट लॉ कौन सा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, बोलेगा 1887 वाला। ये ऐसा पहला कानून था डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ था, जिसे ब्रिटिश इंडिया ने, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पारित किया था। इंडियन गवर्नमेंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का कानून है, तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इसे पारित किया था, पहला ये कानून था। फिर इसके बाद, इन दिस एक्ट इट इज इलीगल टू पजेस एंड सेल स्पेसिफाइड बर्ड्स। हाँ, इस एक्ट ने क्या बोला भाई कि यह इलीगल है, अवैध है, अगर आप किसी स्पेसिफाइड, मतलब कैटेगरी बता दी, इन बर्ड्स को खरीदते हो, बेचते हो, व्यापार करते हो। तो कुल मिला के पहला जो कानून आया था वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन किसको दे रहा था, वह सिर्फ बर्ड्स को प्रोटेक्शन दे रहा था, बट एनिमल्स की बात नहीं करी, एनिमल्स की प्रोटेक्शन की बात नहीं करी, वाइल्ड एनिमल्स की। तो ये एक लैकुना है या नहीं है? बिल्कुल इस एक्ट का लैकुना है। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था ये, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इन 1912 में क्या हुआ, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट एक और पारित हुआ। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर इन्हीं एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट किया गया, जो अभी तक 1912 तक एक्ट बने थे उनके अंदर अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट वॉज मेड, संशोधन किया गया। और यह अमेंडमेंट डायरेक्ट कब किया गया, 1935 में, 1935 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। और अमेंडमेंट करने के बाद एक न्यू एक्ट पास हुआ, न्यू अमेंडेड एक्ट, क्या कह सकता हूं, न्यू अमेंडेड एक्ट, अमेंडेड एक्ट पारित हुआ। न्यू अमेंडेड एक्ट का मतलब समझते हैं, जैसे ये चौथे नंबर पर वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1935 पारित हुआ है, राइट। अब आगे की बात देखिएगा, बट जो अमेंडमेंट हुआ कमियों को दूर करने के लिए, लेकिन ये अमेंडमेंट इतना कुछ खास कमियों को दूर नहीं कर पाया साथियों, और कमियों को दूर नहीं कर पाया, तो इन कमियों को दूर करने के लिए देखिए, लिमिटेशंस ऑफ एक्ट ऑफ 1935, 1935 के एक्ट में कुछ कमियां थी, इन कमियों को समझते हैं। पहली कमी क्या थी, अमेंडमेंट तो कर दिया बट कमियों का भंडार था। पहली कमी देखिएगा, पनिशमेंट अवॉर्डेड टू पोचर्स एंड ट्रेडर्स। जो पोचर्स एंड ट्रेडर्स थे, कौन थे पोचर्स और ट्रेडर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, शिकारियों, शिकारियों और वन्य उत्पादों के, वन्य जीव उत्पादों के व्यापारियों को दी जाने वाली सजा, जो पनिशमेंट थी वो बहुत कम थी। कहने का मतलब, जो ये पोचर्स थे, ट्रेडर्स थे, मन मर्जी अपराध करते थे, इनको सजा वैसे भी कम थी तो इनको डर भी नहीं था, पहली कमी थी। दूसरी, इन इंडिया देयर आर ओनली 5 नेशनल पार्क्स, ओनली केवल मात्र 5 नेशनल पार्क थे उस जमाने में। क्या होता है 5 से, आज देखिए कितने नेशनल पार्क हैं, मतलब हर फील्ड में चाहो, चाहे सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, सब शतक मार चुके हैं, 100+ है सबके अंदर, सेंचुरी में भी और नेशनल पार्क्स में भी, 400-500 की कैटेगरी में आ गए हम। तो ड्रेस्टिक डिक्रीज इन द फ्लोरा एंड फौना, जो फ्लोराज एंड फौनाज थे, मतलब पेड़ पौधे थे, उनके अंदर भी बहुत ड्रेस्टिक डिक्रीज आया, पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही थी। तो ये सारी कमियां थी इस एक्ट में। ड्यू टू दीज लिमिटेशंस इन द प्रीवियस एक्ट, अ न्यू एक्ट केम इनटू फोर्स। बधाई हो, ये कमियों को दूर करने के लिए एक नया एक्ट है जो वो फोर्स में आया। उस नए एक्ट का नाम क्या था डियर स्टूडेंट, उस नए एक्ट का नाम था द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या बोल रहा हूं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसे हिंदी में कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है साथियों, अब आई होप सभी को यहां तक क्लियर हो गया, हमने एक्ट की अपनी शुरुआत कर दी है। अब आगे की बात देखिएगा, ये जो एक्ट है ये पास कब हुआ था, ये 5 जून 1972 को पास हुआ था। दिस एक्ट वॉज पास ऑन 5th of June 1972। ड्यू टू, मतलब इस एक्ट को पास करने के पीछे ये कारण रहा है, जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज ने ही मजबूर किया एक नए कानून को पारित करने के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पारित करने के लिए। ये स्टॉकहोम का सम्मेलन है, ये आपका स्टॉकहोम है डियर स्टूडेंट, क्या है ये, स्टॉकहोम है, ठीक है,
स्टॉकहोम में क्या हुआ था, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट इन स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में एक ह्यूमन जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था डियर स्टूडेंट, उसकी वजह से इंडिया को प्रेरित हुआ और कहा भाई हमें भी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाना चाहिए जिसमें वन्य बर्ड्स के साथ एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ओके, अब आगे की बात देखिएगा, आगे की बात बताना चाहूंगा साथियों। ड्यू टू दिस कॉन्फ्रेंस एक नया एक्ट आया एंड ड्यू टू दिस वी सेलिब्रेट 5 जून। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, माफ कीजिएगा, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। कौन से 5 जून की वजह से, इसी वजह से जिस दिन ये एक्ट पारित हुआ था, इसी वजह से हम क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसी डे को लेते हुए इस एक्ट को भी पारित किया गया था, सारा एक मतलब एक सीक्वेंस में रखा गया। तो अभी अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए कि ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा साथियों कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर देना है वर्ल्ड एनवायरमेंट 5 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वह पास हुआ था। क्लियर, अब आगे की बात देखिएगा। अब जो ये 1972 में एक्ट बना था, इस एक्ट में अमेंडमेंट हुए थे, कितने अमेंडमेंट हुए थे, कितनी बार अमेंड किया गया था इसे 1986 में, अब देखो 72 को 86 में अमेंड किया, फिर 91 में, 93 में, 2002 में, और लास्ट अमेंडमेंट है आपका 2006 में भी इसको अमेंड कर दिया गया। ठीक है, 2006 में भी इसको अमेंडमेंट किया गया था लास्ट वाला। तो कुल मिला के हम अगर 2006 की बात करें, इन सब अमेंडमेंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कोई है, याद रखिएगा, अगर सबसे ज्यादा कोई अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है तो 1991 वाला था, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत मेजर डिसीजंस लिए गए थे। चलो थोड़ा सा हम जानते हैं कि 1991 में, 1991 में कौन से अमेंडमेंट लिए गए थे। ओके साथियों, वेरी गुड, आगे देखिएगा, अब मेरी बात को समझिएगा। ये मैं एक अभी तक मैंने पूरे एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको कंप्लीट करा दिया, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली एक एक्ट बता रहा हूं, कौन सा एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम पर्पस से। थोड़ा देखिए क्या कहता है, ये कहता है सिक्स्थ शेड्यूल एडेड। कहने का मतलब हमारे पास अगर शेड्यूल की बात की जाए, शेड्यूल्स की बात की जाए, तो टोटल कितने शेड्यूल्स हैं डियर स्टूडेंट, टोटल 6 शेड्यूल्स हैं। तो इसमें जो सिक्स्थ शेड्यूल है, सिक्स्थ शेड्यूल, उसको ऐड इसी 1991 के अमेंडमेंट के साथ किया गया था। गेटिंग माई पॉइंट, सॉरी टू से दैट दिस इज एट द प्लेटफॉर्म, बट प्लीज कवर द रेस्ट रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आर्म्स एक्ट, हम्बल रिक्वेस्ट सर। ओके विवेक जी, आई विल डू दैट, प्लीज वेट फॉर फ्यू डेज, नेक्स्ट मंथ में आपका आर्म्स एक्ट जरूर आ जाएगा। आगे के जो पोर्शन है उनको भी मैं लेके यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के अंदर ही। ओके, डन, प्रॉमिस है। अब देखिए, सिक्स्थ शेड्यूल एड किया गया था, छठा शेड्यूल क्या था डियर स्टूडेंट, अभी हम बात करेंगे कि जो हमारा छठा शेड्यूल, पांच के बाद छठा शेड्यूल जो जोड़ा गया उसमें क्या क्या था बात, अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सिक्स्थ शेड्यूल को जोड़ा गया, पहली बात यह हुई। दूसरी बात, इट प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन इन कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स। जो स्पेसिफाइड प्लांट्स थे, बिल्कुल विवेक जी, यू आर वेलकम। अब देखो, जो स्पेसिफाइड प्लांट्स थे, उन स्पेसिफाइड प्लांट्स के अंदर उनके कल्टीवेशन को लेकर नियम कानून भी इसी अमेंडमेंट एक्ट ने बनाया था। और इस तीसरा बात, इस अमेंडमेंट एक्ट ने बहुत सारी चीजें प्रतिबंधित करी थी, क्या, किसी भी पजेस करने को, पजेशन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, सेल पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ट्रांसपोर्ट पे रोक लगा दी, किसके, प्लांट्स प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 6, माफ कीजिएगा, इसने प्रोटेक्शन स्पेसिफाइड प्लांट्स पे, इस पे एरो बनाइए, हाँ, जो स्पेसिफाइड प्लांट्स थी, ध्यान से सुनिएगा, उन स्पेसिफाइड प्लांट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये स्पेसिफाइड प्लांट्स आप ना तो पजेस कर सकते हैं, ना आप सेल कर सकते हैं, ना आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये सारे काम आपको मना है, ये काम आप नहीं कर सकते। ठीक है,
ये किसने बोला? स्पेसिफाइड प्लांट्स के ऊपर रोक लगाई। आगे की बात देखिए, प्लांट्स प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 6 इंक्लूड। अब शेड्यूल 6 के अंदर किन किन प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया गया था? पहला प्लांट्स देखो क्या है, बेडोम्स सेकेड नेटिव टू इंडिया। अब देखो बेडोम्स आपको पता ही नहीं चल रहा है, कितना अजीब सा नाम है, अगर ऐसे पढ़ाया जाए तो मजा खराब हो जाता है। लेकिन जब आप एग्जाम में जब बैठते हैं और आप इन इमेजेस को अगर आप देखते हैं तो थोड़ी सी मेरी मेहनत जरूर लगती है इनको खोज के लाने में, बट आई होप इससे आपको आपका इमेजिनेशन बैठ जाता है, हाँ यार ये ऐसा प्लांट होगा। ठीक है, तो जो बेडोम्स का आपका ये प्लांट है जिसको शेड्यूल 6 के अंदर, मतलब जो शेड्यूल 6 है आपका उसके अंदर 6 प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। 6 प्लांट्स कौन कौन से है? पहला है बेडोम्स। बेडोम्स इस तरह का कुछ पौधा होता है, ठीक है, ये शेड्यूल 6 में आएगा। ब्लू वेंडा दूसरा आपका है। ब्लू वेंडा, ब्लू वेंडा देख के ऐसा लगता है मजा आ जाता है, वाह ब्लू वेंडा। अब ब्लू वेंडा भी एक प्लांट है जिसको शेड्यूल 6 में जोड़ा, 6 में से। सातवां आपका आएगा डियर स्टूडेंट रेड वेंडा। क्या कह रहा हूं? रेड वेंडा। रेड वेंडा ऐसा देखो, मन कर रहा है दिवाली पे गिफ्ट कर दूं आप सभी को, कर दूं क्या बोल दीजिएगा। तो रेड वेंडा हो गया। फिर उसके बाद कुथ होता है, जो कुथ भी एक प्लांट है जो शेड्यूल 6 में है। ये बताएगा कि इन प्लांट्स को आप खरीद और बेच नहीं सकते हैं, ठीक है, इनके इनको इनको ट्रेडिंग में नहीं लाइएगा। स्लीपर ऑर्चिड हो गया, इस तरह का स्लीपर ऑर्चिड दिखता है, ये अभी एक प्लांट है जो शेड्यूल 6 में जोड़ा गया है। देन हम बात करेंगे अगले की पीचर प्लांट। पीचर प्लांट भी इस तरह का होता है, देख रहे हैं, ये सब प्लांट्स है डियर स्टूडेंट जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 6 में जोड़ा गया, इनका सेल ट्रेडिंग करना मना है, ठीक है उनपे। अब देखिए इनको तो हमने बड़े अच्छे से गौर से देख लिया, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो अगर पूछा जाए प्लांट्स प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 6, कितने प्लांट्स शेड्यूल 6 के अंदर प्रोटेक्ट किए गए हैं? तो 6 प्लांट आएंगे। पहला तो आपका कौन सा आया? बेडोम्स। दूसरा आपका ब्लू वेंडा। तीसरा आपका रेड वेंडा। और चौथे की अगर बात करूं मैं तो वह आपका है कुथ। और पांचवा है स्लीपर ऑर्चिड। और छठा है पीचर प्लांट। आई होप सभी को एकदम परफेक्टली फिट हो गया है। चलिए आगे की बात, स्टेट गवर्नमेंट्स पावर। सबसे बड़ा अमेंडमेंट 1991 का ये वाला था कि स्टेट गवर्नमेंट के पहले क्या होता था कि जो राज्य सरकारें होती थी उनके पास क्या होता था डियर स्टूडेंट, उनके पास पावर होती थी कि वो क्या कर पावर होती थी, टू डिक्लेयर एनी वाइल्ड एनिमल एज अ वर्मिन। किसी भी वाइल्ड एनिमल को ये वर्मिन डिक्लेयर कर देते थे। और वर्मिन डिक्लेयर करने के बाद, वर्मिन डिक्लेयर करने के बाद क्या होता था कि किसी भी वर्मिन को आप जान से मार सकते हैं, आपका वो अपराध में नहीं आएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पावर कि वाइल्ड एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करेंगे, यह पावर को भी छीन लिया गया। किसके द्वारा? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जैसे इस पावर को छीना गया तो आप समझिएगा स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पावर खत्म हो गई। लेकिन मन में आ रहा है वर्मिन क्या होता है, एनी वाइल्ड एनिमल एज वर्मिन। देखिए आपको बता देता हूं, डॉग्स वगैरह होते हैं कुत्तों के कानों पर, आप देखेंगे बड़े बड़े जो कान होते हैं डॉग्स के उन पे कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे छोटे 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 जिनको देख के भी एकदम गंदा सा लगता है। और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इनको वर्मिन कहते हैं, जो पेड़ फसल को नष्ट कर देते हैं। क्या इनको आप मार नहीं सकते हो? बिल्कुल आप मार सकते हो, कोई रोक नहीं है डियर स्टूडेंट्स इस पे। गेटिंग माई पॉइंट? आगे की बात देखिएगा, इसमें एक और अमेंडमेंट किया गया कि भैया जो ये इम्यूनाइजेशन होता है, इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण। देखिए टीकाकरण, अगर कोई भी एरिया है वह एरिया आपका या तो नेशनल पार्क है या वह एरिया आपका सेंचुरी है। तो मान लीजिए सेंचुरी या नेशनल पार्क है तो इसके 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के चारों तरफ रेडियस में अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल है, जानवर है, तो उस जानवर को टीकाकरण करना अनिवार्य है। जैसे मान लो ये गाय माता है आपकी, ये गौ माता है, अगर इनका, अगर ये रहते कहाँ है, किसी अभ्यारण्य के आसपास, किसी भी वाइल्ड नेशनल पार्क के आसपास, तो 5 किलोमीटर के सारे जानवरों को टीकाकरण करना पड़ेगा। हाँ, टीकाकरण ऐसे भी लगाते हैं, ऐसे भी लगाते हैं, राइट, ये ह्यूमन वाले नहीं है, ठीक है, इस तरह की मशीन से भी टीकाकरण आजकल होता है, ले जाते हैं सीधा इसको ऐसे कर देते हैं, टीकाकरण हो गया, राइट। अब द एक्ट वॉज लास्ट अमेंडेड इन 2006। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने ये पढ़ा कि आज हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो एक्ट था 1991 का पूरा हमने कवर कर लिया, ठीक है। ये भी बता दिया कि लास्ट अमेंडमेंट 2006 में हुआ था, लेकिन 2006 के बाद एक बार आवाज उठी थी 2013 में
कि ठीक है क्या बोला गया था, एन अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा इन 2013, दो राज्यसभा के अंदर एक अमेंडमेंट बिल, संशोधन के लिए एक बिल पारित हुआ था, पेश किया गया था, माफ कीजिएगा, फिर एंड रेफर टू स्टैंडिंग कमिटी बट इट वॉज विदड्रॉन इन 2015, लेकिन उसको वापस से ले लिया गया 2015 के अंदर, तो लास्ट अमेंडमेंट अभी भी 2006 वाला है, ओके? अब जब कभी भी हम डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं किसके बारे में, किसी भी एक्ट के बारे में, तो उसका संविधान से अगर लिंक नहीं है, ऐसा इंपॉसिबल है, इट इज इंपॉसिबल कि उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक ना कर पाए। अगर एग्जाम में पूछ ले विच प्रोविजंस आर रिलेटेड टू द व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कौन से ऐसे प्रावधान है जो संवैधानिक प्रावधान है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला आपका आएगा एक नंबर पर डियर स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो 1976 का अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसका संबंधी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से है। कैसे है ध्यान से देखिएगा, Forests and protection of wild animals and birds was transferred from the state to concurrent list. One of the most important question जो आपका exam में पूछा जा सकता है dear student, क्या important है कि कौन से, पहले अब सुनिएगा, पहले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वह किसका 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 हथियार था, वो किसके अंडर में आता था, वह स्टेट लिस्ट में आता था, राज्य सूची में आता था, लेकिन 1976 के अमेंडमेंट करके, उसके अमेंडमेंट के द्वारा इस पूरे एक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, संघ सूची जो होती है हमारी, समवर्ती सूची होती है, माफ कीजिएगा, उसके अंतर्गत इसको ट्रांसफर कर दिया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भैया एक बात बताएं कि अगर, हाँ नया पेज लाइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, ये आपका फिक्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। एमपी के एग्जाम में तो ज्यादा मुझे चांसेस लगता है कि वहां जीके वीके बहुत सारा है, क्या पता लिंक करके जीके ही पूछ ले, ठीक, याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला पॉइंट, एक और आर्टिकल जोड़ा गया है, आर्टिकल 48A, ठीक, इस आर्टिकल का संबंध भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से है। आर्टिकल 48 क्या कहता है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा, इसका भी संबंध आर्टिकल 48A, अनुच्छेद 48A का संबंध भी एनवायरनमेंट से है। फिर आगे की बात देखिएगा, इस 48A में क्या बात बोली गई है, द स्टेट, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, क्या जिम्मेदारी होगी, शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करेंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव करेंगे, एंड आगे द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और जो भी वाइल्ड लाइफ है और ये सब चीजें हैं इनको आप सुरक्षित रखेंगे, ओके? आई होप ये आपको समझ में आ गया। हाँ करिश्मा जी गुड इवनिंग, ओके। अब आगे की बात देखो, आर्टिकल 41A क्या कहता है, आर्टिकल 41A भी बहुत अच्छी बात बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटी, FD आपने पढ़ाई होगा, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर जब आप आते हैं तो वहां पे आर्टिकल 51A के अंदर, A के अंदर ABCDEFGHIJK 11 पॉइंट है, उसके अंदर जी वाला पॉइंट जो है वो अभी इसी से संबंधित है। क्या कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स लाइफ जो कुछ भी है, एंड टू हैव, पॉइंट टू बी नोटेड, एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और आपके मन में पशु और प्राणियों के प्रति दया भाव भी होना चाहिए, ऐसी बात संविधान कहता है। प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें आप लोग, और तथा प्राणी मात्र के प्रति आप दया भाव भी जरूर रखें, ओके डियर स्टूडेंट्स। हाँ हेलो सभी, हाँ मैम कैसे हैं आप, चलिए आगे की बात करते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कितने हैं, अगर मैं प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करूं तो देयर आर 4 प्रोटेक्टेड एरियाज जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे अपने बियर एक्ट के अंदर। अभी आप देख लीजिए, एक तो सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गए, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, कम्युनिटी रिजर्व हो गया, दीज आर द 4 प्रोटेक्टेड एरियाज विच यू हैव टू लर्न एंड स्टडी फॉर एग्जामिनेशन पर्पज।
क्या इतने ही है? नहीं, इसके अंदर टाइगर रिजर्व भी आ सकता है अगर हम स्पेसिफिकली देखें, बट हमारा बेयर एक्ट चार कहता है, हम चार को ही आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल नीता जी, गुड इवनिंग। ओके, कंसंट्रेट ऑन स्टडी। राइट, आइए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कंक्लूजन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में चैप्टर्स की बात करें 7 है, सेक्शंस की बात करें 66 है, और शेड्यूल्स की बात करेंगे तो 6 है इन कंक्लूजन। ओके, अब देखिएगा, अब हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, इतना लेक्चर सुनने के बाद जब आप नोट्स हाथ से बना लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार वाकई में ये एक्ट फील कर गया है। किसी भी एक्ट को समझने से पहले उसको फील करिए कि एक्ट कहना क्या चाहता है, बना क्यों है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, अरे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कब से बना हुआ है, तो आपको एक्ट का एक रास्ता मिल जाता है सेल्फ स्टडी के लिए। अब आप ये चीजें पढ़ लोगे ना, पूरा एक्ट सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। आइए आगे की बात करते हैं। चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 में दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जो डील करता है, इसको हम प्रिलिमिनरी के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रिलिमिनरी में जो सेक्शन 1 आएगा, सेक्शन 1 आपका क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसका एक्सटेंशन कहां पर है डियर स्टूडेंट्स, ये पूरे भारत में फैला हुआ है। अगर मैं डेट ऑफ कमेंसमेंट की बात करूं कि एक्ट लागू कब हुआ था, तो डिफरेंट डेट्स हैं, डिफरेंट एरिया के हिसाब से ये लागू हुए हैं। इस तरह की बड़ी लैंग्वेज मिलेगी, याद आप रख लीजिएगा, डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट है। तो जो डेट ऑफ एनेक्टमेंट है वही डेट ऑफ कमेंसमेंट आप ले सकते हैं, अगर अगर डेट नहीं दी गई है तो आप एनेक्टमेंट की डेट को ही कमेंसमेंट की डेट में काउंट कर सकते हैं। फटाफट बताएं डियर स्टूडेंट, जिन्होंने भी लेक्चर मेरा अटेंड किया हुआ है, व्हाट इज द डेट ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जल्दी से बताएं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के डेट ऑफ एनेक्टमेंट क्या है, जल्दी से बताएं। नीता शिंदे जी जल्दी बताएं। राइट, तो आई होप देखो डेफिनेशंस, अब हम आ जाते हैं, जब तक आप कमेंट में आंसर लिखिएगा ढूंढ के। सेक्शन अगर 2 की बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये पूरा सेक्शन 2 डेफिनेशन से संबंधित है। डेफिनेशन पोर्शन चलता है, डेफिनेशन पोर्शन थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन इस डेफिनेशन पोर्शन को हम जरूर थोड़ा छांट के पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम एक तरफ स्टार्ट हुए सारा ही लेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, बैक टू बैक फटाफट करेंगे, फिर उसके बाद हम बॉडी बोर्ड्स कितने हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर जो आता है वह है एनिमल। एनिमल कौन होता है? एनिमल इंक्लूड्स मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। बड़ी गजब गजब के नाम है। मैमल्स, मैमल्स देखो आपको यहां मिलेंगे, ये रे मैमल्स आपके इस तरह के, बर्ड्स आपके यहां पर मिलेंगे, देखते जाइएगा, है ना? जो मैमल्स होते हैं इस तरह के होते हैं, ये देखो ये क्या है, बता सकते हैं आप लोग? इमेज देख के बताइए, उल्टा लटका हुआ है, ये क्या दिख रहा है आपको? चलिए मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। बर्ड्स तो आप जानते ही हैं बहुत सारे की, स्पैरो हो गया, स्पैरो भी इज अ काइंड ऑफ बर्ड, फिश हो गया, मछली जल की रानी है, रेप्टाइल इस तरह के जो रेप्टाइल्स होते हैं चलते हैं, जो सांप आप भी इसके अंदर आ जाते हैं। इनवर्टब्रेट्स, एक वर्ड आया है इनवर्टब्रेट्स। इनवर्टब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टब्रेट्स इस तरह के होते हैं, इस तरह के देखिए जानवर जो पाए जाते हैं, कीड़े टाइप के होते हैं जो कि लकड़ी को खा जाते हैं, ये इनवर्टब्रेट्स होते हैं। तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन एनिमल। तो क्या ये एनिमल है? यस yes. अब एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा एनिमल इंक्लूड्स डियर यंग एंड एग्स। बिल्कुल, जो एनिमल्स होता है उसके अंदर उसके बच्चे तथा उसके अंडे भी आते हैं। अरे जानवर, जानवर का बच्चा, जानवर का अंडा, तीनों आ जाएगा एनिमल में, ठीक है? पशु के अंतर्गत स्तनधारी जंतु, पक्षियों, रेंगने वाले जंतु, जलचर, जलचर मतलब जो जल में रहते हैं, मत्स्य, अन्य रज्जुमान तथा अकशेरुकी जंतु। वाह कितना बड़ा बढ़िया नाम है, अकशेरुकी जंतु। चलिए ये सारे एनिमल्स में आएंगे। 2-2 में क्या आएगा? एनिमल आर्टिकल। बार बार बियर एक्ट में आपको लैंग्वेज मिलेगी एनी एनिमल आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब कुछ भी नहीं, वस्तु। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु। वस्तु देखो यहां पे दिया भी होगा कहीं ना कहीं, तो हाँ ये रहा पशु वस्तु, एनिमल आर्टिकल। एनिमल आर्टिकल का मतलब होता है इट मींस एन आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव एनिमल। अगर कोई भी आर्टिकल जो है वह किसी भी एन आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव एनिमल। कैप्टिव एनिमल क्या होता है? आगे हम समझेंगे कैप्टिव एनिमल के बारे में भी। तो कोई भी ऐसा जानवर जिसको आपने कैद करके रखा गया है, उसका कोई भी चमड़ा हो गया
ये सारी चीजें आर्टिकल में आएंगी, ठीक है। वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्या एनिमल आर्टिकल के अंदर वर्मिन आता है, तो आपको आंसर देना है नो, ठीक है, अदर देन वर्मिन आएगा। तो वापस बोलता हूं, एनिमल आर्टिकल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, इट मींस एन आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव एनिमल, किसी भी कैप्टिव एनिमल से बना हुआ आर्टिकल, किसी भी वाइल्ड एनिमल से बना हुआ कोई भी आर्टिकल, एंड इंक्लूड्स एन आर्टिकल और ऑब्जेक्ट इन विच द होल और एनी पार्ट ऑफ सच एनिमल हैज बीन यूज्ड। इसके बाद देखिएगा, एक एग्जाम में जो पूछा जा सकता है यहां से, ठीक है, पूछेंगे कि जो आइवरी होती है, आइवरी इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड एन आर्टिकल मेड देयर फ्रॉम, मतलब आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत। देखो हाथी के ये दांत होते हैं इस तरह के, बहुत महंगा बिकता है ये हाथी दांत, तो ये जो हाथी दांत है इसको हम क्या बोलते हैं, आइवरी इन इंग्लिश, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथी दांत। क्या हाथी दांत जो होता है वह आर्टिकल की डेफिनेशन एनिमल आर्टिकल में काउंट होगा, 100% हाथी दांत को भी इसके अंदर काउंट किया जाएगा एनिमल आर्टिकल के अंदर, ओके। अब बोर्ड की बात करेंगे तो बोर्ड कौन सा होता है, सेक्शन 6 क्लॉज 1 के अंदर बोर्ड को डिफाइन किया गया है, देखेंगे। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा कैप्टिव एनिमल, तो कैप्टिव एनिमल क्या होते हैं देख लीजिए, इस तरह से आप जो पिंजरे में रखते हैं उनको कैप्टिव एनिमल कहा जाता है, और कैप्टिव एनिमल मींस एन एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। देखो चार शेड्यूल की बात बोली गई है, 1 से लेकर 4 सब में कैप्टिव एनिमल की बात आ गई। आगे विच इज कैप्चर्ड और कैप्ट और ब्रेड इन अ कैप्टिविटी, किसी भी जानवर को आपने चाहे कैद में रखा है, पिंजरे में रखा है, या उसकी ब्रीडिंग करने के लिए, मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर को पैदा करने के लिए वहां पर उस पर्पस के लिए रखा गया है ब्रीडिंग करने के लिए, तो भी वह कैप्टिविटी ही मानी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते आप एनिमल कैप्चरिंग में नहीं रखा है, राइट। आगे की बात, CWLW वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, बार बार ये वर्ड आएगा। कोई भी पर्सन, ये एक पर्सन है जिसको अपॉइंट किया जाता है, कहां पर, अंडर सेक्शन 4, सबसेक्शन ए क्लॉज 1 के अंदर किसी भी पर्सन को अगर यहां पे अपॉइंट किया जाता है तो वह पर्सन क्या कहलाएगा, CWLW। इस कीवर्ड को हमेशा याद रखिएगा, चीफ, सी मींस चीफ, डब्ल्यू मींस वाइल्ड, एल मींस लाइफ एंड डब्ल्यू मींस वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। गुड इवनिंग खान साहिबा, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, इसका बार बार जिक्र होगा, इसको मुख्य वन्य जीव संरक्षक कहते हैं। इसका एग्जाम में हेडिंग पूछ लेगा कि CWLW इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में इसको डिफाइंड किया गया है। अगर बात करें सर्कस की, आई होप ये तो आप जानते ही हैं, 7A में सर्कस की बात करी गई है। जो सर्कस, क्या ये सर्कस मूवेबल होता है क्या, बिल्कुल, ये एक जगह पर फिक्स भी हो सकता है ये सर्कस, और ये मूव भी कर सकते हैं, तभी तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम लेके जाते हैं, कहीं यहां सर्कस लगा हुआ है, कभी वही सर्कस दूसरी जगह लगा हुआ है, और ये फिक्स प्लेस पर भी हो सकता है, ठीक है। बात करेंगे फिर कलेक्टर की, 9 में कलेक्टर है, 10 को आप छोड़िए अभी, 11 में आइए डीलर, डीलर समझते हैं जो इनको खरीदते और बेचते हैं इनको सभी को, ठीक है। तो डीलर इन रिलेशन टू कैप्टिव एनिमल आर्टिकल ट्रॉफी, अब नए नए वर्ड आ रहे हैं देखिएगा, पहला डीलर, ये डील किसके करेंगे, कैप्टिव एनिमल के संबंध में, एनिमल आर्टिकल को खरीदेंगे बेचेंगे, डीलर का काम क्या है, खरीदना और बेचना। फिर कोई ट्रॉफी, ट्रॉफी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, हम पूरा इसको अच्छे से समझेंगे आने वाले प्रोविजन में, बट हाँ, महजबीन बानू वेरी गुड इवनिंग, अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं आप सभी को, इसमें जो आप पढ़ेंगे ये ट्रॉफी वर्ड आ रहा है, अनक्योर्ड, असंसाधित ट्रॉफी, ट्रॉफी को हिंदी में भी ट्रॉफी कहते हैं, इसका मतलब कोई भी जानवर का चमड़ा, स्किन, कुछ भी जो मरे हुए जानवर से संबंधित है, ये सारी ट्रॉफी कहलाती है, इसका डेफिनेशन बाद पढ़ेंगे। तो इन सभी चीजों को, स्पेसिफाइड प्लांट्स को खरीदना बेचने का काम कौन करता है, डीलर करता है साथियों, राइट। अब बात करेंगे डायरेक्टर की, 12 में डायरेक्टर दे रखा है, फिर 12A में फॉरेस्ट ऑफिसर को दे रखा है, 13 में आप सभी का आएगा, 12B में आएगा फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एंड इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है,
गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो आपकी होती है, इट मींस प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन सेक्शन 39, जो प्रॉपर्टी सेक्शन 39 में और 17 एच में रेफर कर दिया वह प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप इमेज से देख रहे होंगे कई बार ये देखो प्रॉपर्टी को छीन रहे हैं आपसे, अगर आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा किया तो प्रॉपर्टी आपसे छीन लिया जाएगा, राइट। आयुष्मान जी हैप्पी दिवाली, आप और सूर्या सर मिले हुए हो ना, ठीक है, आप सभी को मैं अभी अभी आप सभी को क्लास के बाद में मिलता हूँ। चलिए हैप्पी होली विश कर रहे हैं। देखो वो जूस जो मैंने उस दिन पिलाया था ना सूर्या सर को, दैट वाज ओनली फॉर दैट पर्पस, ठीक है। अब आपको उसका असर क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लेट हो गए, आप रिव्यू कर लीजिएगा वापस से लेक्चर को। अब देखो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उसको कोई भी छीन नहीं सकता, किसी भी सेंचुरी पे, किसी भी नेशनल पार्क पे आप घर बनाओगे उस घर को आपको हटा के फेंक दिया जाएगा, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे की, हैबिटेट का मतलब आवास होता है, ये जानवर वगैरह जिस भूमि पर, जिस भूमि जल वनस्पति है जहां पर ये निवास करते हैं नेचुरल रूप से, क्या बोल रहा हूं, नेचुरली ये जो रहते हैं इनको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक घर, मतलब इनका घर जो प्रकृति ने इनको दे रखा है वो इनका हैबिटेट कहलाता है। वो घर जो मैंने बना के दिया, हम इंसानों ने बना के दिया, वो हैबिटेट में नहीं आएगा, नेचुरल घर, राइट। अब आगे की बात देखिए, हंटिंग, याद किसी किसी हीरो की याद आ रही या नहीं आ रही, जल्दी बताएं, किसी हीरो की याद आती है कि नहीं आती है इनको देख के। हमारे जोधपुर में अगर कोई आया है और शिकार किया है तो उस शिकारी को हमने छोड़ा नहीं है, आप सभी को बताना चाहूंगा। बिल्कुल पांडे जी, चुलबुल पांडे की याद आ रही है क्या आयुष्मान? हाँ, तो वो चुलबुल पांडे आए थे और हिरण का शिकार करके गए थे, ठीक है, हिरण का ही टाइप था वो चिंकारा। तो आज पूरी विश्नोई समाज उनके अगेंस्ट में खड़ी है और बोल रही है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं और कोर्ट में अभी भी वो आते रहते हैं बिल्कुल, और उनका मामला हमारे कोर्ट में बहुत ही ज्यादा फेमस है जोधपुर के कोर्ट में, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप ये काम नहीं कर सकते हैं, हालांकि करते तो बहुत लोग हैं, बेचारा फंस गया हमारा सलमान खान, लेकिन कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग है, ये संभाल लेंगे, ठीक है। मोदी जी के साथ पतंग तो उड़ा ली है, देखिए बच जाए तो अच्छा है, हाँ बच जाएंगे आई होप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हंटिंग क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, हंटिंग 216 में डिफाइंड है, ठीक है, हंटिंग 216 में डिफाइंड है। हंटिंग का मतलब क्या होता है, हंटिंग का मतलब बस यही हंटिंग है, ये देखो बंदूक लेके जानवर को ट्रैक कर रहे हैं और निशाना लगा रहे हैं ट्रैक, तो ये हंटिंग है। तो हंटिंग इंक्लूड्स किलिंग, पॉइजनिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल, कैप्टिव एनिमल एंड एवरी अटेम्प्ट टू डू सो, किसी को भी आप कैसे भी मार रहे हैं, चाहे आप जहर देके मार रहे हैं, चाहे आप प्यार से मार रहे हैं, अपने प्रेम से मार रहे हैं, कैसे भी मार रहे हैं, अगर जानवर मरा तो वो हंटिंग में आ जाएगा। किलिंग का मतलब वेपन ही नहीं है, जहर भी तो एक वेपन है आपका, तो हर तरीके से आप मार सकते हैं, अगर आपने मारा है तो वह तरीका क्या कहलाएगा, हंटिंग कहलाएगा डियर स्टूडेंट। कैप्चरिंग कर रहे हैं मतलब किसी भी वन्य या बंदी पशु को पकड़ रहे हैं, कॉर्सिंग कर रहे हैं, स्नैरिंग कर रहे हैं, आप उसको ट्रैप कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइटिंग कर रहे हैं, मतलब उसका शिकार कर रहे हैं। अब देखो एक वर्ड यूज है, किसी भी बंदी पशु को पकड़ना मतलब कैप्चरिंग करना, कब पकड़ना हो गया, कोर्सिंग का मतलब उसका शिकार करना, शिकार कर रहे हैं आप, शिकार कर रहे हैं, स्नैरिंग का मतलब क्या होता है, फुसलाना, अरे इसको कैसे फुसलाओगे, अरे फुसलाते हैं, आह आह ऐसे बोलते हैं जानवरों को, पता है गांव में कभी जाइए आपको मजा आएगा, जानवरों की एक है ना वो भाषा होती है, जो जानवर अपनी अपना मालिक की भाषा समझता है, वो मालिकाना हक साबित करके कि हाँ मैं तुम्हारा टेक केयर करता हूं, उसको लालच दे के बहला फुसला के जंगल से उसको लेके चले गए घर और खूंटे में बांध के रख दिया, तो ये भी क्या है एक, ये भी हंटिंग के अंदर जरूर आएगा डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो उसको फुसलाना, फसाना, हांकना, चारा देकर ललचाना, समझ रहे हो, हरी हरी घास लेके उसको पीछे पड़ गए, अब हरी घास लेके चलते जा रहे हो, जानवर पीछे पीछे आता जा रहा है, तो ये सारा आप क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये तो है ही है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये तो इसके अंदर आएगा ही पांडे जी, तो ललचाना वैसा करना, प्रयास करना, सारा इसके हंटिंग के अंदर आएगा। किसी भी इंजरी पहुंचाना, इसको डिस्ट्रॉइंग करना, टेकिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनी सच एनिमल, किसी भी उसके पार्ट को लेके जाना घर पर, ये सारा हंटिंग कहलाएगा, राइट। लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब यहां पर वह लैंड भी आएगा जो बहता हुआ पानी है, अरे ये जमीन में लैंड में तो आएगा,
क्या ये जो पानी का एरिया है ये लैंड नहीं है क्या? अरे पानी के नीचे तो लैंड ही है, तो ये भी लैंड है डियर स्टूडेंट, और ये भी लैंड है। चले क्या घूमने हम सब लोग, इतना प्यारा प्यारा जगह है, ठीक है। चलिए अब लाइसेंस, इस एक्ट के अंदर आपको लाइसेंस दिया जाएगा। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, सेक्शन 218 ए में कह रहा है लाइव स्टॉक का मतलब सारे आ जाएंगे, एक एक को चलो हम साथ में रिवाइज करते हैं, कमेंट बॉक्स में मजा आएगा, ठीक है। लाइव स्टॉक मींस फार्म एनिमल्स एंड इंक्लूड्स, पहला कोई भी भैंस है, बफेलो है, वह भी इसके अंतर्गत आएगा। बुल्स होते हैं जो बैल, वो भी इसके अंदर आएंगे। सांड मतलब बलक्स, इसके अंदर कैमल्स, काउस, डंकीज, गोट्स, शीप, हॉर्सेस, म्यूल्स, याक्स, पिग्स, डक्स, गीज, पोल्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग विल बी काउंटेड इन द डेफिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक। हिंदी में पढ़ते हैं फील होता है यार, इंग्लिश में तो फील ही नहीं आ रहा है। देखो एक बार और, भैंस हो गया, बैल हो गया, सांड हो गया, हमारे राजस्थान में सांड को बोलते हैं सांडी हो आयो, बच्चों को डराते हैं, ठीक है। ऊंट हो गया, गाय हो गया, हाँ हमारे यहां का जहाज है ये। गधा हो गया, जो पढ़ता नहीं है वो भी गधा है। बकरी हो गया, भेड़, घोड़ा, खच्चर, ठीक है। घोड़ा और खच्चर से याद आता है डियर स्टूडेंट, इसके संबंध में बड़ी ही एक कहानी है, ठीक है। घोड़ा जो होता है ना, जो पढ़ाई करता है स्टूडेंट, जो जम के पढ़ाई करता है वो घोड़ा होता है, लेकिन वह स्टूडेंट जो थोड़ा थोड़ा पढ़ता है वो फेल होता रहता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, एक दिन पढ़ता है दूसरे दिन छोड़ देता है, तो उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, घोड़े से वो क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट बताइएगा। तो सभी स्टूडेंट पढ़ते रहे, सुअर, बतख, गीज, मुर्गी, सब इसके अंदर आ जाते हैं, दैट्स इट। अब देखिए मैन्युफैक्चर 19 में है, मीट 20 में आ जाएगा। हाँ, मीट की डेफिनेशन को याद रख लो, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ध्यान से देखिएगा। मीट इंक्लूड्स ब्लड, क्या खून भी मीट कहलाता है? बिल्कुल। क्या बॉन्स भी मीट के अंदर आते हैं? स्नीव हो गया, एग्स हो गए, शेल हो गए, कैरापेस हो गए, फैट हो गया, फ्लैश हो गया, ये सारे आते हैं। मांस के अंतर्गत अन्न को हानि पहुंचाने वाले कीड़े से भिन्न, इसको ब्रैकेट में डालो। मांस के अंतर्गत अब पढ़ो, किसी वन्य पशु या किसी बंदी पशु का रक्त, उसकी हड्डियां, स्नायु, अंडे, कवच या पृष्ठवर्म, चर्बी, सब आते हैं। तो बार बार आपको सब कोई कहता है कि हम तो अंडे खाते हैं, ये कोई मीट में थोड़ी ना आता है, तो उसको बताइएगा जाके अंडा मीट का ही एक पार्ट होता है। मतलब आप अंडा खा रहे हैं तो आप क्या है, मांसाहारी है, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते आप शाकाहारी है, ठीक है जी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, नेशनल बोर्ड आपका, अब हम इसको जो राष्ट्रीय बोर्ड है इसके बारे में लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। अब देखो सेक्शन 24 ए की बात कर लेते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे यहां पर प्रोटेक्टेड एरिया को डिफाइंड कहां किया गया है, प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित एरिया को डिफाइंड 24 ए में किया गया है। अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से होते हैं, दे आर फोर, ये चार एरिया होते हैं। पहला कौन सा एरिया है, पहला जो आपका है, पूरी स्क्रीन देख लीजिए, पहला जो एरिया वह है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। अरे प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब क्या हुआ, इस एरिया को सुरक्षित रखा गया है, यहां पर आना और यहां पर आके जाना दोनों मना है, यहां से आप कोई भी नॉर्मल तरीके से आके रह नहीं सकते हो, एकदम मना है आपको, क्योंकि ये घर किसका है, जंगली जानवरों का है, ठीक है। आप अपने घर में रहिए, अपने घर में रहेंगे। तो पहला आता है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उपवन, इसको डिफाइंड किया गया 221 में। दूसरा आपका आएगा सेंचुरी, जिसको कहते हैं अभयारण्य, ये डिफाइंड किया गया 226 में। कंजर्वेशन रिजर्व को 36, माफ कीजिएगा, पहले इन दो की बात कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड की। नेशनल पार्क जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से, और सेंचुरी आपका एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे सेक्शन आप रट के जाइएगा, लर्न नहीं, लर्न तो नॉर्मल होता है, रट के जाइएगा मतलब एग्जाम में आएगा। अभी भी कह रहा हूं, फिर बोलूंगा कि आया कि नहीं आया, मैं फिर कहूंगा जाओ स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन आएगा, नेशनल पार्क को डिफाइंड 221 में किया गया है, बट इसको नोटिफाइड और डिक्लेयर्ड, इसको नोटिफाइड और डिक्लेयर्ड 35 में किया जाता है। सेंचुरी को डिफाइंड 226 में किया गया है, बट इसको जो नोटिफाइड और डिक्लेयर्ड किया जाता है वो 18 में किया गया है। दूसरी बात, फिर इसके बाद तीसरा नंबर आता है कंजर्वेशन का, क्या कह रहा हूं, तीसरी बात इसकी आती है कंजर्वेशन रिजर्व की, ये आपका 36 ए में डिक्लेयर्ड है। चौथे नंबर पे आपका आता है कम्युनिटी रिजर्व, जिसको सामुदायिक रिजर्व के नाम से जानते हैं, यह 36 सी में डिफाइंड है। ओके साथियों, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट पोर्शन को नेशनल पार्क के बारे में। चलिए मेरा प्रश्न आप सभी लोग लिख लीजिए करंट के लिए, करंट के लिए प्रश्न मेरा है कि इंडिया में अभी तक
करंट में बताना है आप सभी को। आई होप ये सर ने, जीके वाले सर ने आपको पढ़ाया भी था और यहाँ पे पांडे जी कमेंट भी कर देंगे। आपको यहां पर बताना है कि अभी इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं एट प्रेजेंट टाइम। फिर दूसरा प्रश्न, अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितनी सेंचुरीज अभ्यारण्य है। तो दो प्रश्न का आपको आंसर देना है, टेलीग्राम पे मैं वेट करूंगा और कमेंट बॉक्स में भी। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो नेशनल पार्क्स इन इंडिया इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नेशनल पार्क को डिफाइन सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में किया गया है, ठीक है। नेशनल पार्क को इसे राष्ट्रीय उपवन कहते हैं। इट मींस एन एरिया डिक्लेयर्ड वेदर अंडर सेक्शन 35, 38 और 66, जो भी है इनके अंदर डिक्लेयर कर, मतलब नेशनल पार्क ये होता है, इसकी खूबसूरती ये होती है, इसमें ये पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नेशनल पार्क का मतलब एक सिंपल सा और सीधा सा है, जो यहां पर इन सेक्शंस में डिक्लेयर्ड और डिफाइंड किए गए हैं। और प्रोटेक्टेड एरिया मैंने आपको बताया 24A में प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं, ये देखो चार्ट के माध्यम से मैंने समझाया। प्रोटेक्टेड एरिया 24A यही तो है, ठीक है, ये चारों प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं। आगे की बात देखिए, 22 में नोटिफिकेशन है, 23 में परमिट है, 26 में आइए डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। सेंचुरी क्या होती है, अभ्यारण क्या होते हैं, लाइव क्लास का टाइमिंग क्या है, 5 o'clock होता है डियर स्टूडेंट मधु जी। अब देखिए सेंचुरी क्या होता है, इट मींस एन एरिया डिक्लेयर्ड एज अ सेंचुरी बाय नोटिफिकेशन। कोई भी एरिया जिसको सेंचुरी बोल दिया गया वो सेंचुरी है, बस और क्या। देखिए इस तरह की सेंचुरी होती है, आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा इस तरह की इमेजेस, इन पे कोई घर नहीं बना सकता, ये पूरा का पूरा हरा भरा एरिया प्रोटेक्ट करके छोड़ दिया जाता है और डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या ये एरिया बनाया जाता है? नहीं, इनको डिक्लेयर किया जाता है, इनको डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आज ये सेंचुरी है, ओके। पर्सन की डेफिनेशन में फर्म भी आते हैं 24 में, 25 में प्रेस्क्राइब्ड है, 26 में रिकॉग्नाइज्ड जू है, 25A में रिकॉग्नाइज्ड जू है आपका, रिजर्व फॉरेस्ट 25B में है, इनको आप नॉर्मली छोड़ सकते हैं। हाँ, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, स्पेसिफाइड प्लांट्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। स्पेसिफाइड प्लांट मींस एनी प्लांट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 6, ऐसे प्लांट्स जिनको शेड्यूल 6 के अंदर विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। कितने प्लांट मैंने पढ़ाए शेड्यूल 6 के अंदर, 6 प्लांट पढ़ाए थे आपको, ये 6 के 6 प्लांट जो शेड्यूल में 6 में स्पेसिफाइड कर रखे हैं उनको हम स्पेसिफाइड प्लांट बोल सकते हैं क्या? 100% शेड्यूल 6 की जितनी भी कैटेगरीज है उसको में जो प्लांट्स आए थे वो प्लांट्स क्या होंगे, वो प्लांट्स आपके स्पेसिफाइड प्लांट्स में आएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्पेसिफाइड प्लांट्स है। 27 को इन इमेजेस से वापस ऑब्जर्व करिएगा, देखिए। हाँ जी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था डियर स्टूडेंट्स, ये देखो प्लांट्स प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 6, मैंने इसी क्लास में पढ़ाया आपको, प्लांट्स प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 6 इंक्लूड्स बेडोम्स, गेटिंग माय पॉइंट, बेडोम्स। अब बेडोम सिकेड क्या होता है, नाम से तो पता नहीं चल रहा है, इमेज देख लो वापस से, ये क्या, ये स्पेसिफाइड प्लांट है, बिल्कुल ये स्पेसिफाइड प्लांट है 27 के अंदर। दूसरा ब्लू वेंडा, तीसरा रेड वेंडा, चौथा कुथ हो गया, पांचवा आपका स्लीपर ऑर्चिड हो गया, ठीक है, और छठा आपका पिचर प्लांट हो गया जिसे नेपेंथीस खसियाना कहते हैं। भाई बड़ा ही अजीब सा नाम है, याद करने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए, ठीक है जी। अब आगे की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, ओके हमारा टॉपिक क्या चल रहा था देखिएगा, यस, हमारा जो टॉपिक था वह था स्पेसिफाइड प्लांट्स। क्या स्पेसिफाइड प्लांट्स में ये 6 तरह के पौधे आपने एंजॉय किए देख के? देखो ये जब इमेजेस आप देखते हो ना तो इसमें आपको तभी मजा आता है, समझ में आता है, अदरवाइज ये समझ में कम आता है। हाँ, धीरज कुमार सिंह कह रहे सर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज, बिहार एपीयू के लिए एग्जाम जल्दी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कंप्लीट करा दिया ना धीरज जी, लगभग 95% कंप्लीट करा दिया है, एक इन्वेस्टिगेशन का एक सेक्शन दो सेक्शन रह गया होगा, आप देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों तो दे दिया है मैंने, ओके धीरज कुमार सिंह। आगे बढ़े, अब देखिएगा मेरी बात को आगे। हाँ, 29 में स्टेट गवर्नमेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका, 30 को आ जाइए,
टैक्सीडर्मी एक वर्ड आता है, क्या कह रहा हूं, टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का मतलब होता है चर्म प्रसाधन। चर्म प्रसाधन क्या होता है? टैक्सीडर्मी। ऐसा मामला जो चमड़े से संबंधित हो, ठीक है, जो चमड़े से संबंधित हो वह टैक्सीडर्मी होता है। टैक्सीडर्मी विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन कॉग्निट एक्सप्रेशन, इसको आप ब्रैकेट में डाल के पढ़ा करो, इट मींस द क्योरिंग प्रिपरेशन प्रिजर्वेशन माउंटिंग ऑफ ट्रॉफीज। तो टैक्सीडर्मी को समझने के लिए ट्रॉफी को ये बार बार कुछ कर रहा है प्रोसेसिंग ग्रोसिंग, तो पहले हम ट्रॉफी को समझते हैं, ठीक है, तब हम टैक्सीडर्मी को समझेंगे। आइए सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में ट्रॉफी क्या होती है। इट मींस, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो पूछेगा। ट्रॉफी मींस द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी कैप्टिव एनिमल। कोई भी कैप्टिव एनिमल है, जंगली जानवर है, वन्य पशु है, अदर देन वर्मिन है ये, विच हैज बीन कैप्ट और प्रिजर्व्ड बाय एनी मींस वेदर आर्टिफिशियल और नेचुरल एंड इंक्लूड्स। इसके अंदर ट्रॉफी के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होगा? कोई भी रग्स हो गया, रग्स मतलब चर्म, स्किन मतलब त्वचा, स्पेसिमेन ऑफ सच एनिमल माउंटेड इन होल और इन पार्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ टैक्सीडर्मी, या नमूने जो चर्म प्रसादन की प्रक्रिया द्वारा पूर्णता या भागता मरे गए हैं। तो कुल मिलाकर जानवरों के जो ये चीजें होती है ना, सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, डन पूरी। ये क्या कहलाएंगे? ट्रॉफी कहलाएगी। तो ये ट्रॉफी वो नहीं है जो आपको जीतने पे मिलती है, ये चमड़े वमड़े हैं जानवरों के जी। अब इन्हीं चमड़े को, इन्हीं चर्म को और इन्हीं चर्म को हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्योर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, माउंट कर रहे हैं। मतलब इन्हीं चर्म प्रसादन से ट्रॉफियों का संसाधन, उनको तैयार करना, उनका परिरक्षण करना, मढ़ाई करना, ये सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। राइट, आई होप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब ट्रॉफी में ये जानवर होता है क्या, एंटलर भी आता है क्या? एंटलर का मतलब क्या होता है? हिरण का सींग, बिल्कुल, हिरण का सींग हो गया, बोन्स हो गए, कैरापेस मतलब हड्डियां हो गई, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। गेंडे का सींग, खुर हो गया, बाल हो गया, पंख, नाखून, दांत, हाथी दांत, कस्तूरी, अंडे, घोंसले, मधु का छत्ता भी ट्रॉफी में आता है। याद रखो इस पॉइंट को, मेरे को पता नहीं क्यों लगता इसके ऊपर मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं पेपर सेट करता, पेपर सेटर होता तो क्या सेट करता, क्या मधु का छत्ता बोले तो हनीकॉम्ब, क्या हनीकॉम्ब जो है वह ट्रॉफी की डेफिनेशन में आता है? 100% आता है। अब अनक्योर ट्रॉफी क्या होती है? असंधातित ट्रॉफी। इसका मतलब होता है द होल और एनी पार्ट ऑफ द कैप्टिव एनिमल और वाइल्ड एनिमल। मतलब चाहे मैं ट्रॉफी की बात करूं, चाहे मैं अनक्योर्ड ट्रॉफी की बात करूं, ये सारे के सारे जो है वो दोनों कैप्टिव एनिमल हो गया या फिर वाइल्ड एनिमल हो गया, इनसे ही इनका संबंध होता है। तो इनके अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। बट याद रखो आता क्या नहीं है, वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है पीड़क जंतु, मतलब ऐसे कीड़े मकोड़े जो फसल वसल को नष्ट करते हैं, आपको भी नष्ट कर दे अगर आपके शरीर पर लग जाए तो, ठीक है। विच हैज नॉट अंडरगोन अ प्रोसेस ऑफ टैक्सीडर्मी। मतलब आप देखोगे लेदर का बैग, बैग आप जानते हो कि नहीं जानते हो, एलबी का बैग मैं तो तेरे लिए लाया, गाना तो सुना ही होगा। तो जो लेदर का बैग है बहुत महंगा आता है, वह बैग किस प्रोसेस से बनता है? वह बनता है टैक्सीडर्मी से। कौन से प्रक्रिया से डियर स्टूडेंट? टैक्सीडर्मी की प्रक्रिया से ये बैग वगैरह बनते हैं। लेकिन अगर ये प्रक्रिया में ना आया हो कोई चीज, कच्चा माल पड़ा है, तो उसे बोलते हैं अनक्योर ट्रॉफी कच्चा माल, जो अभी प्रोसेस में, नॉट अंडरगोन अ प्रोसेस ऑफ टैक्सीडर्मी एंड इंक्लूड्स फ्रेशली किल्ड वाइल्ड एनिमल्स, एम्बर्गीज, मस्क एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब चलो, मोटर व्हीकल एक्ट, आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा मोटर व्हीकल एक्ट। उसमें मैंने व्हीकल की डेफिनेशन बताई थी, मैंने बोला था जिसके अंदर मशीन लगा हो, मोटर लगा हो, वो व्हीकल होगा, ऐसा ही कुछ बताया था। मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल मतलब उसके अंदर मैकेनिकल चीजें होती है, वो व्हीकल में आता है। बट यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बैलगाड़ी भी, जिसके अंदर इंजन नहीं लगा हो, हाँ, बैलगाड़ी के अंदर तो इंजन होता भी नहीं है, तो वह भी व्हीकल में आएगा। इट मींस एनी कन्वियंस यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑन लैंड, वाटर, एयर एंड इंक्लूड्स बफेलोज, बुल, बलक, कैमल, डंकी, एलिफेंट, हॉर्स एंड म्यूल, राइट। अब देखो वर्मिन क्या होता है। वर्मिन का फोटो तो लेके आता मैं, बट नहीं लाया, बड़ा ही गंदा फोटो था। देखो वर्मिन मींस एनी वाइल्ड एनिमल्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 5। तो शेड्यूल 6 में स्पेसिफाइड प्लांट्स आ गए। शेड्यूल 5 की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, तो उसके अंतर्गत क्या आ गया? वर्मिन आ गया, ठीक है,
वर्मिन मतलब पीड़क जंतु। वर्मिन क्या होते हैं, जो ऐसे ये डॉग है, डॉग का ही अगर कान है तो इसके अंदर ऐसे ऐसे कीड़े पड़े होते हैं डियर स्टूडेंट, ये सारे वर्मिन है। ओके हाँ, 35 पे वेपन, वेपन कुछ भी हो सकता है, किसी से भी, किसी भी हथियार से आप मार रहे हो। अब पहले 37 पढ़ो, हमारे एक्ट का नाम क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसी से संबंधित है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनी एनिमल, एनिमल के अंदर दूसरा एक्वेटिक और लैंड वेजिटेशन विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ एनी हैबिटेट। तो कोई भी जानवर क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ में आ जाएगा। तो वन्य जीव के अंतर्गत कोई प्राणी, ऐसे जलीय और भू वनस्पति जो किसी प्राकृतिक आवास के भाग है वह आएगा। वाइल्ड एनिमल में जो, अब देखो, इट मींस एन एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1-4। अभी देखो 5 के 5, 6 के 6 शेड्यूल मैंने याद कराए, शेड्यूल 5 याद रख लो, वापस से बोल देता हूं, शेड्यूल 1 से 4 में क्या आएगा, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। तो इसके आगे मैं लिख सकता हूं वाइल्ड एनिमल्स, याद रख लो 6 के 6 शेड्यूल। लेकिन अगर मैं शेड्यूल नंबर 5 की बात करूं तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, वर्मिन आ जाएगा, आप सभी का पीड़क जंतु, आप सभी का नहीं मतलब इसके अंदर आएगा। चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्या आएगा डियर स्टूडेंट, स्पेसिफाइड प्लांट्स। कितने स्पेसिफाइड प्लांट्स है, 6 हैं, रेड वेंडा, ब्लू वेंडा, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको टीच कर दिया है। अब वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, जू होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपका डेफिनेशन पोर्शन। चलिए 10 मिनट में हम अब बॉडी को, स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड भी कर सकते हैं हम। बॉडी और स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको चैप्टर नंबर 2 को याद रखना पड़ेगा। अभी तक हमने सिर्फ चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया है। ओके, चैप्टर नंबर 2 जो आपका है सेक्शन नंबर 3 से 8 तक को डील करता है, ठीक है। सेक्शन 3 से लेके 8 तक के प्रावधान चैप्टर नंबर 2 में आएंगे। अगर बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 की 2 कैटेगरी मैंने बनाई है, 2 कैटेगरी बना दी है मैंने डियर स्टूडेंट। 2 कैटेगरी कौन सी है, पहली जो है वह है अथॉरिटीज की, कौन कौन से प्राधिकारी हैं जो इसमें काम करते हैं। दूसरा जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गठन किसका, बोर्ड का, कौन कौन सी बोर्ड है, कौन कौन से बोर्ड है जिनका गठन इस चैप्टर 2 में किया गया है। तो याद रखिएगा जो बोर्ड के गठन की बात आएगी हम 5A से लेकर 8 तक को पढ़ेंगे, और जब अथॉरिटीज की बात आएगी डियर स्टूडेंट तो वहां पर हम सेक्शन नंबर 3 से लेके, सेक्शन नंबर 3 हो गया आपका, सेक्शन नंबर 4 हो गया आपका डियर स्टूडेंट, ठीक है, 5 हो गया, 5 का संबंध हालांकि दोनों से है, इसको हटा देता हूं, 5 का संबंध जो है ना, अरे सेक्शन नंबर 5 का जो संबंध है वह दोनों से है डियर स्टूडेंट। चलिए सेक्शन 3 और 4 से, मेरा कहने का मतलब ऐसे अभी नहीं लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो 3-4 जो है आपका ये अथॉरिटी से संबंधित है, माफ कीजिएगा, 3 और 4 जो है आपका वो अथॉरिटी से संबंधित है, 5A से 8 बोर्ड के गठन से संबंधित है। तो हम आज पहले इधर पहला पोर्शन पढ़ते हैं अथॉरिटीज के बारे में, ठीक है। अब यहां पे जो अथॉरिटीज होती है उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है कुछ, मतलब अरे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अधिकारी लोग होते हैं, ऑफिसर्स एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं, इसमें पहला जो कैटेगरी आएगा वह सेक्शन 3 का आएगा डियर स्टूडेंट। सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ अथॉरिटीज को अपॉइंट करता है, और सेक्शन 4 में स्टेट गवर्नमेंट कुछ अथॉरिटीज को अपॉइंट करता है। तो अगर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अथॉरिटीज की बात करूं तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में अथॉरिटीज का अपॉइंटमेंट होता है। सेक्शन 3 के अंदर जो अथॉरिटीज का अपॉइंटमेंट होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और सेक्शन 4 के अथॉरिटीज का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो चलिए देखते हैं केंद्र सरकार के कौन कौन से कर्मचारी वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं। पहला कौन सा है, पहला डायरेक्टर है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन का, और दूसरा अदर एम्प्लॉइज है जो इसमें काम करते हैं। लेकिन इसकी बात को हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, सेक्शन 4 को, सेक्शन 4 को समझते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पे रह गया है। सेक्शन 4 में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है किसको, किसको अपॉइंट करता है, पहला CWLW, WLW, HWLW, वापस बोल रहा हूं याद रख लो इसको, इसी कीवर्ड से याद रखना, पहला क्या हमेशा याद रखो CWLW पहला अधिकारी, दूसरा WLW, ठीक है वैसे नाम बदल जाएगा, तीसरा एच लग जाएगा WLW, याद हो जाएगा CWLW पहला नंबर, दूसरा यहां से स्टार्ट कर दो WLW, चौथा HWLW, ठीक है WW। ओके अब चलो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा,
CWLW का फुल फॉर्म होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, मुख्य वन्य जीव संरक्षक को कहा जाता है, जिसका अपॉइंटमेंट राज्य सरकार करती है। कौन करती है डियर स्टूडेंट? राज्य सरकार इसका अपॉइंटमेंट करती है। यहां से प्रश्न बनेगा 3 से लेकर 8 तक में, इसलिए मैं इसको बहुत चार्ट फॉर्म में आपके लिए लेके आया हूं। फिर देखिए WLW मतलब वाइल्ड लाइफ वार्डन, वन्य जीव संरक्षक आएगा। फिर उसके बाद ऑनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन HWLW आएगा। इन तीनों अधिकारियों का अपॉइंटमेंट अगर कोई करता है तो वह कोई नहीं, वन एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट, राइट। आगे की बात देखते हैं। अगर इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज की बात किया जाए तो क्या ये जो पावर एंड ड्यूटीज है, क्या ये राज्य सरकार आगे किसी और को सौंप सकती है क्या? चलिए देखते हैं, एक बार मूव करके आपको समझाता हूं डियर स्टूडेंट, प्लीज वेट। यहां पर देखिएगा, अब हां 3 को और 4 को मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इनके कॉमन एक सेक्शन 5 आएगा जो दोनों के क्या है, कॉमन है। सेक्शन 4 से भी कॉमन है और सेक्शन 3 से भी कॉमन है। अब ये सेक्शन 5 क्या कहता है देखिएगा, 3 के संबंध में, केंद्र सरकार के संबंध में ये क्या कहता है, डेलीगेट हिज पावर एंड ड्यूटीज, मतलब ये जो अपना डायरेक्टर है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है, क्या ये अपने पावर एंड ड्यूटीज को डेलीगेट कर सकते हैं, ये प्रत्यायोजित कर सकते हैं अपने पावर एंड ड्यूटीज को किसी और को? तो बिल्कुल, विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग, केंद्र सरकार से राइटिंग में लिखित अप्रूवल लेके ये अपने सारे पावर्स एंड ड्यूटीज को किसी अपने सबोर्डिनेट को दे सकते हैं। अरे सिंपल सी बात है जी, यहां पर 5 में लिख लो डेलीगेशन, ठीक है, डेलीगेशन लिख लो, ये क्या अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं? यस। फिर उसके बाद सेक्शन 4 में आइए, सेक्शन 4 के अंदर बताइए क्या ये अपने पावर को डेलीगेट कर सकते हैं? बिल्कुल 100% ये भी अपने पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। देखिए ये जो है विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन राइटिंग, ये अपनी पावर को ये भी डेलीगेट कर सकते हैं किसको, सबोर्डिनेट को। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं डियर स्टूडेंट, शॉर्ट में क्या बोलूं, सेक्शन 3 के अधिकारी, सेक्शन 4 के अधिकारी क्या अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं? तो 100% दे कैन डेलीगेट दियर पावर्स टू दियर सबोर्डिनेट्स, निचले वाले कर्मचारियों का। ओके, अब आगे की बात करते हैं। आई होप सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 क्लियर हो गया। सेक्शन 3 केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अथॉरिटीज को अपॉइंट करती है, सेक्शन 4 स्टेट गवर्नमेंट अपने कर्मचारी को अपॉइंट करती है, सेक्शन 5 3 और 4 जो है ना ये अपने सबोर्डिनेट को अपने पावर डेलीगेट कर सकते हैं, इनके पास पावर है, ऐसा बोलता है सेक्शन 5। अभी तक मैंने ये आपको अथॉरिटीज के बारे में पढ़ाया है। ओके, अब हम बात करेंगे बोर्ड्स, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कितने बोर्ड है, कितने बोर्ड का गठन किया गया है। तो बोर्ड मतलब समझ नहीं पाए आप, तो आइए यहां पर वापस, हमने ये पोर्शन अभी क्लियर किया है फर्स्ट, अब हम क्लियर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड का गठन। चलिए आइए, बोर्ड का गठन कैसे किया जाता है डियर स्टूडेंट, 5A से लेकर 8 तक के प्रावधान बोर्ड को बताते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ बोर्ड, एक तो राष्ट्रीय बोर्ड हो गया और एक राज्य का बोर्ड हो गया, नेशनल बोर्ड, इसको बोल सकते हैं NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और एक होता है SBWL, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड और राज्य वन्य जीव बोर्ड। अब यहां पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जो नेशनल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके मेंबर होंगे, ठीक है, अगर राज्य का बोर्ड है तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, क्लियर सी बात है। नेशनल बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेंबर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, और राज्य बोर्ड के सदस्यों को कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार। ओके, फिर देखिए पहला पॉइंट मैंने बताया ना NBWL, NBWL के बारे में मतलब नेशनल बोर्ड, राष्ट्रीय बोर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेशनल बोर्ड क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए देखो मैंने मेहनत करके पूरा चार्ट बनाया है, ताकि मैं 4 लेक्चर को, याद रखिएगा 3 से 4 लेक्चर को मैंने एक लेक्चर में कंक्लूड किया है, वरना इतना बड़ा लेक्चर पॉसिबल नहीं था कि एक में मैं कर पाऊं लिख लिख के विदाउट कंटेंट। तो याद रखो इस कंटेंट को बनाने में कम से कम 7 डेज का टाइम लगता है। आगे चलिए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या होता है, NBW का कंस्ट्रक्शन, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय बोर्ड होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे राष्ट्रीय बोर्ड बनेगा, तो उसके बारे में देखिए, एक तो होता है चेयरपर्सन और दूसरा होता है वाइस चेयरपर्सन।
मतलब एक तो अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है इसके अंदर। अध्यक्ष कौन होता है? एग्जाम में आने वाला यूपीएससी के कैंडिडेट को मैं बताना चाहूंगा, या पीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं उनका तो फिक्स पूछता है यहां से, और एमपी में भी आने के चांसेस हैं कि भाई बताओ हमारे राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बोर्ड, तो आंसर विल बी वन एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर। और अगर मैं आप सभी से पूछूं आज की डेट में हमारे राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा कि आयुष्मान पांडे ने बोल दिया है, इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, उनको इनको मैं पढ़ना जरूर उचित समझूंगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, या फैले हुए उनके पंख बोलते, वह लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आयुष्मान जी, आपने तो गर्दा उड़ा दिया यूपी की भाषा में। आइए, तो एनबीडब्ल्यू में एक कौन होता है डियर स्टूडेंट, एक तो चेयरपर्सन होता है और दूसरा वाइस चेयरपर्सन होता है, राइट। एक तो कौन होता है? चेयरपर्सन, और दूसरा वाइस चेयरपर्सन। चेयरपर्सन हमारे अभी मोदी साहब हैं। मोदी जी ने आते ही देखा नहीं, वो बाघों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, टाइगर के साथ। क्यों? उनको शौक नहीं आया, उनकी जिम्मेदारी भी थी शौक के साथ साथ कि भैया तुम जाओ चेयरपर्सन हो, ठीक है, करना पड़ता है और करना भी चाहिए। आइए वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं। जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का मिनिस्टर इंचार्ज होता है वह अभी वाइस चेयरपर्सन कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अभी आप सभी को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 25% ऑफ फ्रॉम टीम लिंकिंग, बिगेस्ट दिवाली गिव अवे, एक आप ये कोड यूज कर सकते हैं, अभी के टाइम में ये कोड आपको लगेगा। यूज कोड दिस DLXMKKC6, इस कोड को आप यूज करके अभी अप टू 25% तक का ऑफ ले सकते हैं। दिस ऑफर इज वैलिड ओनली अप टू 24th of October 2022, मतलब 24, ये दिवाली का विशेष ऑफर आया है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ओके आगे की बात, ओनली फॉर द फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स ऑफ जुडिशरी ऑन प्लस सब्सक्रिप्शंस ऑफ 1 year एंड अबव, जो 1 साल या उससे ज्यादा का आप लेते हैं उनके लिए है। धर्मेंद्र यादव उपाध्यक्ष हैं, ओके, अलकार सिंह राजपूत, बहुत बढ़िया। जुडिशरी टेस्ट सीरीज फॉर अक्टूबर के लिए चल रहा है, रेगुलर लिंकिंग बैच आप 4.0 ले सकते हैं, जहां पे आपको दिख रहा होगा मैं वहां पर आपको सबसे पहले आता हूं गुड मॉर्निंग करने। इस बैच में 6:30 बजे लाइव मिलता हूं रोज, इस टाइम को मेंटेन करना भी अपने आप में भारी काम होता है डियर स्टूडेंट्स। और हाँ, वो स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचिए जो 6 बजे उठ के 6:30 लाइव आके पढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। आफ्टर दैट मैं बात करूंगा, टेस्ट सीरीज ऑन जजमेंट राइटिंग भी है, देन जुडिशियरी प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वरी है किसी चीज को लेके है तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करिए। जुडिशियरी आइकॉनिक नाउ में आपको लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव मेंटरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस इज अवेलेबल। और अगर स्पेशल क्लास की बात करें, स्पेशल का मतलब क्या होता है? फ्री। ओके, फ्री क्लास में आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पोल्स, रेज अ हैंड, नेवर मिस क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनी वेयर फैसिलिटीज मिलती है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो प्लस में 6, 12, 18, 24 मंथ्स के कोर्सेज रहते हैं। और अगर बात करें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तो 6, 12, 24 मंथ्स के कोर्सेज यहां पर भी रहते हैं, जहां आप लिंकिंग कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में उस कोड को भी आप जरूर यूज करिएगा ताकि आपको ऑफर मिल सके। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो उसे भी आप क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, और प्लस के अंदर आप सभी को लेक्चर नोट्स वगैरह, ई नोट्स वगैरह सारी चीजें मिलेंगी डियर स्टूडेंट्स। सभी को मेरी तरफ से, आप सभी को जाते जाते, चलिए एक और ये भी बात याद रख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को टेलीग्राम की लिंक चाहिए जिससे आप, आपको मेरे लेक्चर्स प्रॉपर कन्वे हो सके, ई नोट्स मिल सके, सब कुछ आप मेरे से जुड़ना चाह रहे हो, तो टेलीग्राम का लिंक ले लीजिएगा। नाम बता देता हूं, लिंकिंग लॉज अनूप सर के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आप मेरे से एक मुलाकात जरूरी है कर सकते हैं। ओके ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से आज इतना ही। आई होप दिस लेक्चर जो मैंने आज आप सभी को पढ़ाया है, डियर स्टूडेंट कोई नहीं है यहां पर, सिर्फ मैं हूं, आप हो और हमारी ये पढ़ाई है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि आज दिवाली के दिन सभी छुट्टी पर थे, इसीलिए लेक्चर को स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि सारी चीजें अपनी मेरे को भी नहीं पता है ना टेक्निकल। सो आप सभी को डियर स्टूडेंट्स मेरी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। वादा कर लीजिए, आप लोग मेरे से वादा कर लीजिए कि जब अगली बार मिलेंगे तो जज बन के मिलेंगे और एक नए अधिकारी के रूप में पब्लिक सर्वेंट बन के मिलेंगे। और हाँ, अगली दिवाली साथ में मनाएंगे, किसके साथ? आप जैसे प्यारे प्यारे जजेस के साथ, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मेरा प्रभु से यही कामना है आप लोग तरक्की करो, आगे बढ़ो,
सभी को मेरी तरफ से वापस से एक बार हैप्पी दिवाली टू यू एंड टू योर फैमिली एंड टू योर ओके। सो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।